हाय नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या अडीगोतामध्ये स्वागत करतो। हॅलो दोस्तों, मैं सौरभ आपके अडीगोता में स्वागत करता हूँ। आज मैं कोई स्ट्रैटेजी बताने नहीं आया हूँ या फिर कुछ भी पढ़ाने नहीं आया, मैं बस आपको बेस्ट विशेज देने हैं, आपको ऑल द बेस्ट विश कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन में आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने ही वाले हैं। एंड आई होप सारे बच्चों ने जो आपका प्रिपरेशन जो है, वो जो रिविजन जो है, वो बहुत बढ़िया तरीके से किया होगा, नो मैटर कब आपने स्टार्ट किया है। क्योंकि मेरे लिए तो सारे स्टूडेंट्स एक ही है। अगर मैं बेस्ट विशेज देता भी हूँ तो सारे बच्चों के लिए मेरे विशेज सेम ही रहने वाले हैं। बस कुछ बातें कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे कि आपकी 15 से एग्जाम स्टार्ट हुए है, अब तक जितना भी आपने पढ़ा है उसको बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना। पैनिक नहीं होना है, पेपर जैसे जैसे पास में आएगा आप पैनिक होना स्टार्ट करोगे, मतलब प्रेशर बढ़ता रहेगा, आपको डर लगना स्टार्ट होगा। पैनिक होना ही नहीं है, ठीक है? ऐसा सोचना है मुझे सब आता है। भले ही आपने 50% पढ़ाई क्यों ना किए हो, बट आपको ये फील करना है, आपको ये बताना है खुद को कि मुझे सब आता है, मुझे पेपर बहुत आसान जाने वाला है। यही कॉन्फिडेंस, यही पॉजिटिवनेस आपको पेपर खत्म होने तक रखना है। अगर एक भी पेपर फॉर केस अगर एक भी पेपर बुरा जाता है या फिर थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तब भी आपका ये कॉन्फिडेंस नीचे गिरना नहीं चाहिए। तब भी आपको ये कहना है ठीक है, एक पेपर हो गया, अगला पेपर तो जरूर इजी जाएगा। ठीक है, समझ में आया? पैनिक मत होना और जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना। समझ में आया? और दूसरी बात, मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आप पेपर सॉल्व करने जाओगे ना, तो मार्क्स की बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि अब ये जो मार्क्स है वो सेकेंडरी पार्ट हो गया। प्राइमरी पार्ट है कि आप जितना आपने पढ़ा है उसको कितने अच्छे से रिवाइज करोगे और उसको कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे। दिस इज द प्राइमरी एंड द मेन थिंग यू हैव टू फोकस ऑन। इसी पे फोकस करना, बाकी चीज़ें मार्क्स एंड ऑल इसको फोकस करना ही नहीं। मार्क्स जो आएगा वो आएगा, वो बाद में की बात है। अभी आपको फोकस करना है कितने बढ़िया तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है और रिवाइज कैसे करना है आपका जो पहले पेपर के पहले जो आप रिविजन करते हैं उसमें। समझ में आया? सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सारे बच्चों के लिए, एंड वी विल सून मीट आफ्टर ए बोर्ड एग्जामिनेशन इन अ लाइव वीडियो। जी हाँ, हम लोग आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद एक लाइव वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक बेस्ट विशेस फॉर यू।